के साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। इस्लामिक सेंटर स्थित मदीना कॉलोनी मस्जिद आयशा में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से शहर की सभी मस्जिदों में अदा हुई ईद उल फितर की नमाज। लोगों ने गले मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ मनाई ईद। एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक मयंक भटनागर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, जिन्होंने ईद की नमाज के लिए अपने स्कूल में नमाज पढ़ने की जगह दी, एक भाईचारे की मिसाल पूरे मुल्क के लिए कायम की, हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रशासन का, जिन्होंने पूरे शहर के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज अदा कराई। पहले इस्लामिक सेंटर स्थित मस्जिद आयशा मदीना कॉलोनी में सुबह 6:15 नमाज अदा की गई और बहुत ही शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पूरी नमाज अदा की गई है और लोग बहुत खुश हैं कि आपस में यहाँ पर जो जिन लोगों के जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी उन्होंने गले मिलकर एक पैगाम दिया है कि ये देश मोहब्बत का, ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है ईद का कि जिस वक्त हम एक अच्छा मैसेज दे सकें पूरी दुनिया को कि एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ विभिन्न मज़हब के मानने वाले, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न माइंड सेट के लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं और एकजुटता के साथ ऐसे रहते हैं। आज मैं इस फिरोजाबाद की ज़मीन से एक पैगाम आपको और देना चाहता हूँ कि ये ही एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर आज एक मिसाल कायम की गई है कि जहाँ किड्स कॉर्नर स्कूल में जो उसके फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं मयंक भटनागर साहब ने ईद की नमाज के लिए अपने स्कूल को खोल दिया है। इससे बड़ा क्या सौहार्द होगा हमारे शहर के लिए कि हम अमन पसंद हैं और हम अमन पसंद रहना चाहते हैं, हम नफ़रतों को मिटाकर मोहब्बतों को कायम करना चाहते हैं। इसलिए ये पैगाम उधर से भी आज उठा है, हम उसका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस बात की फिक्र की है कि आपस में सौहार्द बनाया जाए, दूरियों को मिटाया जाए, आपस में बैठा जाए, डिबेट्स की जाएं, बैठकर बात की जाए, किसी बात को अगर कोई चीज़ है तो बैठकर हल की जाए, आपस में नफरतों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज ये ईद का त्यौहार इतनी खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आए लेकिन सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, यहाँ पर बहुत से पत्रकार बंधु भी हैं और उनसे भी हम लोग ने मुलाकात की है और उन्होंने भी गले मिले। इससे ये पता चलता है कि उनके दिलों में दिल साफ हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हम उनके माहौल को उनकी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। हर हाल में हमारा मुल्क तरक्की करेगा, अमन और शांति के साथ आगे बढ़ेगा। कामरान सिद्दीकी प्रधान ग्राम पंचायत नगला मुल्ला की तरफ से जनपद वासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। शाहिद खान सब इंस्पेक्टर थाना दक्षिण की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। समीर बाबा वार्ड नंबर 53 से पार्षद पद के प्रत्याशी अध्यक्ष बाबा ब्लड फाउंडेशन फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद।
फिरोज खान वार्ड नंबर 54 चिश्ती नगर से पार्षद पद के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद मुईन अली वार्ड नंबर 55 पार्षद पद के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। नूरुल हुदा लाला राइन गांधी शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य वार्ड नंबर 43 दुर्गेश नगर से पार्षद पद के कांग्रेस के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद रेहान पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 65 मसरूरगंज फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। गुलफाम मुशीर एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। विनीता अग्रवाल पार्षद वार्ड नंबर 51 व कृष्ण मुरारी अग्रवाल भाजपा नेता। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। शारिक भाई जिला सचिव समाजवादी पार्टी पूर्व सभासद व पार्षद पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 60 फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद सारिम शिक्षित ईमानदार कर्मठ समाज सेवी पार्षद पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 67 हाजीपुरा फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। राशिद शेख मंसूरी शिक्षक श्री पीडी जैन कॉलेज जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयत उल मंसूर फिरोजाबाद। डॉक्टर शोएब इकबाल गालिब नगर PUMS पूर्व सेक्रेटरी रोटरी क्लब फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। सोहिल अब्बास AIMIM युवा नया चेहरा वार्ड नंबर 70 से पार्षद पद के प्रत्याशी। सबको देखा बार बार सोहिल अब्बास अब की बार। मोहम्मद आरिफ पूर्व अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष शिक्षित ईमानदार समाजसेवी वार्ड नंबर 52 से पार्षद पद के प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। अब्दुल बहाव वार्ड नंबर 70 के पार्षद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। बड़ों का हाथ युवाओं का साथ, कहो दिल से भाव भाई फिर से। शारिक सलीम पार्षद वार्ड नंबर 57 नगला बरी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। राहुल यादव नाती नन्नू मल यादव वार्ड नंबर 40 से पार्षद प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। देश दीपक यादव वार्ड नंबर 40 से पार्षद व प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद कामरान शिक्षित ईमानदार पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 61 की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से शहर के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा हब है जहां हर प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू स्पीकिंग कोर्स, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स, कुकिंग कोर्स, 10th 12th क्लास स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग, इस्लामिक स्टडी कोर्स और साथ ही डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कंपटीशन GK एंड सीरत मोहम्मद साहब इस्लामिक कंपटीशन, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से युक्त एक बार अवश्य विजिट करें। हमारा पता है इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी गली नंबर 3 मस्जिद आयशा के पास फिरोजाबाद।